ओट्स के अंदर, अगर बहुत सारे लोग इसको वेट लॉस के लिए, वेट कंट्रोल के लिए, हंगर कंट्रोल के लिए लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर फाइबर अच्छा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, स्लो एब्जॉर्बिंग है, अच्छा है. सो इसके अंदर फाइबर है, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल, फॉस्फरस है, थायमिन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये है. उसके अलावा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज आप देख सकते हैं सर्विंग के हिसाब से. एक कह लीजिए आप 100 ग्राम के अंदर कैलोरीज आ जाएगी 3839, फैट 7 ग्राम आ गया, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गया 66 ग्राम्स, प्रोटीन हो गया 17 ग्राम. तो अच्छे खासे इसमें आपको कैलोरीज भी मिल गई, ठीक है, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड. कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी है, फैट भी है. टाइप्स आते हैं अलग अलग ओट्स के, और इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के ओट्स अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन वो कैसे प्रोसेस किए गए, ठीक है. उसमें ओट्स, स्टील कट, स्कॉटिश ओट्स, ओट्स ब्रान, ऐसा क्विक ओट्स, इंस्टेंट ओट्स, ये वो, जैसे इंस्टेंट नूडल वैसा ये भी बना दिया इसको. सो ओट्स भी प्रोसेस किए जाते हैं. होल ग्रेन, जैसे हम रोटी अनाज का, गेहूं का मैदा बना देते हैं, वैसी ओट्स की भी ऐसी तैसी करी है दुनिया में. बाकी होल ओट्स में बहुत बिल्कुल फायदा है, नो डाउट. सो डायबिटीज में भी यही फायदा होगा. बीटा ग्लूकोन फाइबर्स आपके शुगर लेवल को भी हेल्प करता है, बिकॉज वो एब्जॉर्ब स्लो होगा तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो शुगर लेवल राइज नहीं होगा या उतना नहीं होगा जितना आप सिंपल शुगर खाएंगे तब होगा. सो बेनिफिट आपको उससे भी मिलेगा, बेनिफिट आपको गट हेल्थ, इंटेस्टाइन की हेल्थ में भी मिलेगा. फाइबर इज ब्रोकन डाउन एंड वो फर्मेंट होता है आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से, तो कुछ लोगों को ब्लोटिंग हो सकती है, बट देन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया विल बी हैप्पी बिकॉज दे हैव फूड टू इट, राइट. सो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड अगर आप लेते हैं और वो मिनिमली प्रोसेस्ड हो, होल ग्रेन्स का हो, तो वो सबसे अच्छा है एक डायबिटिक और एक हार्ट डिजीज, एक हाई ब्लड प्रेशर, एक मोटे पर्सन के लिए. ग्लाइसिमिक लोड टोटल, यानी कि कितना कार्ब्स हैं, कितना उसके अंदर, कितना हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स वाले हैं, वो जितना अच्छा रहे कम उतना अच्छा बढ़िया. तो स्टील कट ओट्स आर द बेस्ट, हाईली प्रोसेस्ड इंस्टेंट ओट्स हाई ग्लाइसिमिक वो थोड़े से कम खाएं, सेकेंडरी चॉइसेस. इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें. ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. ऐसे ही टॉपिक्स फिर से हम लेंगे और लेंगे, आते रहेंगे. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.